तो दोस्तों अगर आप लोग हॉरर स्टोरी पर वीडियो बनाने के लिए हॉरर स्टोरी पता करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हॉरर स्टोरी पता करने का तरीका बताने जा रहा हूं, जिससे आप लोग आसानी से हॉरर स्टोरी पता करके हॉरर स्टोरी पर वीडियो बना सकेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी हॉरर स्टोरी पता करने के लिए इस तरफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फोन पर गूगल क्रोम ऐप को ओपन कर लें। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ऐप को ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद अब आप लोग यहां पर सर्च बार पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहां पर लिखें हॉरर स्टोरी। तो चलिए लिख लेते हैं हॉरर स्टोरी। लिखने के बाद अब आप लोग इसके बगल में आप लोगों को जिस भी भाषा में स्टोरी चाहिए उस भाषा को लिख लें। जैसे कि मुझे हिंदी में चाहिए तो इसके लिए मैं लास्ट में लिख देता हूं इन हिंदी। अगर आप लोगों को इंग्लिश में चाहिए तो आप लोग इसके बगल में लिख दें इन इंग्लिश। तो चलिए जैसे कि मुझे हिंदी में चाहिए तो चलिए इसके लिए मैं लास्ट में यहाँ पर बगल में लिख देता हूँ इन हिंदी। इन हिंदी लिखने के बाद सर्च कर लें। तो चलिए सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर ब्लू कलर में वेबसाइट देखने को मिल रहा है सभी का सभी यहाँ पर हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगा सभी वेबसाइट पर। तो चलिए सबसे पहले वाले वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद वेट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग हॉरर स्टोरी देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं दूसरे वाले वेबसाइट को भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों हॉरर स्टोरी आ चुका है बहुत सारे, देख सकते हैं अलग अलग। तो चलिए किसी एक स्टोरी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हैं पूरा स्टोरी डिटेल से ओपन होकर आ गया है। आप लोग इसे पूरे डिटेल से पढ़ करके आप लोग अपने तरीके से वीडियो बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप लोग भी हॉरर स्टोरी को पता करके हॉरर स्टोरी पर वीडियो बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करें। साथ ही जो नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो पर।